जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि रेलवे बैंकिंग और एसएससी का फॉर्म बहुत जल्दी निकल गया है और रेलवे ने तो परीक्षा का तिथि भी घोषित कर दिया है और एसएससी ने भी परीक्षा का तिथि को घोषित कर दिया है। वैसे में सभी विद्यार्थी जबरदस्त तरीके से लग चुके हैं। 15 दिसंबर से आप सभी का जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। वैसे में सिर्फ और सिर्फ अभी जरूरत है तो वैसे शॉर्ट ट्रिक के, वैसे शॉर्ट टिप्स के जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछेंगे, तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम सिखाएंगे, वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में 100% आएंगे ही आएंगे। आलतू फालतू क्वेश्चन हम बिल्कुल भी यहाँ पर देने वाले नहीं, क्योंकि कीमती जो है समय दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसीलिए आप सभी चिंता बिल्कुल भी ना करें और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जेन्युइन क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी या रेलवे या बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खास करके ग्रुप डी में तो अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन देखते हैं और आपको हम सिखाने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन रहा है। वीडियो के साथ बने रहिएगा। जैसे कि स्क्रीन पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर अगली क्वेश्चन आ चुकी है। आप स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे हैं लिखा गया है यहाँ पर 351 यानी 351 रुपया को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है दोस्तों लिखा हुआ है 1/2, ठीक है ध्यान से देखिएगा, 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तीसरे भाग का मान कितना हो, यानी कि थर्ड भाग का जो मान है वो कितना आएगा, यही आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में कभी भी रेशियो नहीं होता है, फ्रैक्शन में कभी भी रेशियो नहीं होता। अगर ऐसा है तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, यानी बट्टा को हटाना पड़ेगा। तो बट्टा को हटाने के लिए इन तीनों को पकड़ के हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो तीनों को पकड़ के दोस्तों एलसीएम लेते हैं तो आता हमारा कितना है 12। अब उस 12 को हम क्या करेंगे, वो जो 12 आएगा उस 12 को हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे 12, देन यहाँ पर लिख देंगे 12, देन यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 12, ठीक है। सभी को हम क्या किए, 12 12 यहाँ पर लिख दिए, सभी में 12 12 लिख दिए। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 6, इसको काटेंगे तो आएगा 4, इसको काटेंगे तो आएगा 3, यानी कि हमारा अनुपात निकला 6:4:3, यही आपका क्या हो गया, रेशियो आ गया। तो अब आपके से पूछा जा रहा है थर्ड पार्ट में क्या होगा, तो थर्ड पार्ट यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है थर्ड पार्ट बराबर, तो थर्ड पार्ट बराबर पूछा जा रहा है थर्ड पार्ट का मान कितना, तो थर्ड पार्ट का मान कितना है 3। और यहाँ पर याद रखिएगा धन कितना दिया गया था 351, ठीक है धन दिया गया था 351। अब तीनों को रेशियो जोड़िए 6, 4, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13, यहाँ पर लिख देंगे 13 और इनटू लिखेंगे 351। अब इसको आराम से काटेंगे 27 बार में, कितना बार में 27 बार में काटेंगे, 351 कट जाए। अब 27 3 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 27 3 कितने होते हैं दोस्तों 81, यही आपका क्या हो गया सही आंसर हो चुका। तो आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ चुके और समझने का भी कोशिश किया, अगर नहीं समझे तो नीचे कमेंट करिए और दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिए। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जैसे कि देख पा रहे दोस्तों स्क्रीन पर अगली क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जा रहा, यदि ए और बी क्या क्या, यदि ए और बी का वेतन का अनुपात दिया गया 1:2 है, तो ए और सी का वेतन का अनुपात दिया गया 2:3 है, 3 है, तो सी और बी का वेतन किस अनुपात में होगा। फिर से समझिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ए और बी सबसे पहले ए और बी के बारे में चर्चा किया गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1:B। ए और बी का जो अनुपात कहा जा रहा है दोस्तों कितना कहा जा रहा है, ए और बी का जो अनुपात है वो अनुपात है आपका 1:2। फिर क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर अच्छी तरीके से समझिएगा, कहा जा रहा है ए देन सी का अनुपात दिया गया 2:3 दिया गया। तो कहा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए हमें कि सी और बी का अनुपात किस रूप में होगा।
सी और बी का जो अनुपात होगा वो किस रूप में होगा, यही आपसे पूछा जा रहा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जब तक तीनों व्यक्ति को एक साथ नहीं खड़ा करेंगे तब तक सी और बी का अनुपात हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों व्यक्ति को एक साथ खड़ा करने का कोशिश करेंगे। यानी कि दोस्तों कैसे खड़ा करेंगे वो चीज़ सीखिए कि तीनों को व्यक्ति को यानी ए को देन बी को देन सी को एक साथ खड़ा करेंगे। तो एक साथ खड़ा करने के लिए इन दोनों में देखिए कॉमन कौन सा है, तो कॉमन अगर हम ढूंढने के लिए जाते हैं तो कॉमन हमारा क्या है, ए ए हमारा कॉमन है, ठीक है, ए ए जो है हमारा कॉमन है। तो इन दोनों का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एक दिशा होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों दो है तो इसमें किस संख्या से गुना कर देंगे कि यह दो बन जाएगा, तो इसको दो से गुना कर देंगे तो दो बन जाएगा। अब रेशियो का रूल से अगर इस रेशियो में किसी एक संख्या को गुना करते तो इसमें जितने भी रहेंगे सभी को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना मस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी इसको जब दो से गुना किए तो इसको भी दो से ही मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। इस प्रकार से यह बन जाएगा कितना, दो अनुपात बी हो जाएगा कितना, चार, और सी कितना हो जाएगा, तीन। इस प्रकार से दोस्तों सी और बी का अनुपात होगा, यहाँ पर होगा तीन, और सी का अनुपात है दोस्तों तीन, और बी का अनुपात कितना है, चार। यानी सी और बी का अनुपात होगा 3:4, यही आपका क्या है सही रिजल्ट है, यही आपका क्या है आंसर है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगली क्वेश्चन कौन सी है। वीडियो के साथ बने रहिएगा जरूर से जरूर। जैसे कि स्क्रीन पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं अगले क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है उसी के विषय में बात करेंगे। किसी पार्टी में, कोई एक पार्टी है, कोई एक फंक्शन हुआ, किसी पार्टी में कुल उपस्थित 252 यानी कुल उपस्थित कितने हुए, 252 लोग उपस्थित हुए थे। तो जिसमें से निम्न में से कौन पार्टी में महिलाओं तथा पुरुषों के अनुपात की संख्या नहीं हो सकती, याद रखिएगा जो नहीं हो सकती है यही आपसे पूछा जा रहा है, जो हो सकती है वो नहीं पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा ऑप्शंस का, यानी कि विथाउट ऑप्शंस यू कैन नॉट सॉल्व, आप बिना ऑप्शंस का इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते। याद रखिएगा जब कभी भी किसी भी पुरुष हो या किसी भी महिला हो को बांटेंगे तो कोई टुकड़ा नहीं कर सकते, 3.5 महिला नहीं कर सकते, 2.5 पुरुष नहीं कर सकते। यानी कि वैसे वस्तु जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उस कंडीशन में जिस अनुपात के योग से कुल संख्या कटेगी वही सही अनुपात होगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको बनाने के लिए आपको प्रयोग करना होगा ऑप्शंस, यानी कि दोस्तों सॉल्विंग द ऑप्शन से बनेगा। तो पहला अगर ऑप्शन लेते हैं तो पहला ऑप्शन कितना है, 1:5, 1 और 5 कितने हो जाएंगे, 6 को अगर आपको भाग देने हैं कितना है, टोटल जो है 252 है, इसको अगर भाग देंगे दोस्तों तो 42 टाइम्स में यह पूरा का पूरा जो है कट जाएगा, यानी कि यह अनुपात नहीं होगा आपका आंसर, क्योंकि यह पूरा कट रहा है। जो नहीं कटेगा ना वही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन संख्या का अनुपात नहीं हो सकता, इसीलिए जस्ट ऑपोजिट वाला यहाँ पर हड़बड़ा के इसको क्लिक करके मत आ जाइएगा, वरना आपका आंसर बिल्कुल भी गलत हो जाए। इसीलिए जो ऑप्शन हमारा 3 का ऑप्शन से वही हमारा सही आंसर है, यानी कि 1:7। जब 1:7 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 कितने होंगे, 8। 8 को अगर हम भाग देंगे 252 को तो 8 + 3 कितने होंगे दोस्तों, 24, और बच जाएंगे कितना, 1, और यहाँ पर 2, 8 + 1 = 8, 8 × 4 = 12, यानी यहाँ पर शेष बच जा रहा, इसके कारण यह संख्या नहीं हो सकती, लेकिन आंसर में जो नहीं होगी वही पूछा जा रहा, इसीलिए जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल भी हमारा सही जवाब। आई होप इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से समझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन की ओर तब्दील होते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से अगला क्वेश्चन है। वीडियो के साथ बने रहिएगा। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन आ चुके हैं, और आज का जो है अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है
ए और बी वार्षिक आय, ए और बी का जो वार्षिक जो इनकम है वो 4:3 का अनुपात है। यह जो है 4:3 कोई रुपया नहीं, अनुपात है। अनुपात का मतलब ये नहीं होता है कि 4 रुपया कमाता है या 3 रुपया, लेकिन कंसीडर कर सकते हैं यदि ये 4 रुपया कमाता है तो बी 3 रुपया कमाता है। उनकी खर्चों में उनके जो एक्सपेंस है खर्च है वो 3:2 का अनुपात है। यदि उनमें से प्रत्येक को वर्ष के अंत में 5 रुपया बचाता है, कितने रुपया 5 रुपया बचाता है, तो प्रत्येक तो ए और बी की वार्षिक आय कितनी, वार्षिक आय कितनी है यही आपसे पूछा जा रहा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके पहले इसको समझेंगे, क्वेश्चन में क क्या रहा है, बनाने का तो हम तुरंत बना देंगे। कॉन्सेप्ट को जो हो दोस्तों, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी क्लियर करिए, पढ़ते पढ़ते आपका आंसर क्लिक करके आ जाए। ऐसा पढ़ के आप जाइए एग्जाम में कि पढ़ेंगे और आंसर को क्लिक करें, बनाने का जरूरत नहीं। मैक्सिमम सॉल्यूशन आप माइंड पर कीजिए, 90% जो है दिमाग पर कीजिए, 10% ही आप लिखिए, तब कंपटीशन का एग्जामिनेशन आप ब्रेक कर पाइए। अदरवाइज कोई भी कंपटीशन आपका नहीं निकलेगा, आप पढ़ते रह जाएंगे, सारी उम्र पढ़ के खत्म कर दीजिए, लेकिन कंपटीशन का एग्जामिनेशन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका लिखने का आदत है। लिखने वाला आदत को सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा, सबसे पहले उसको छोड़िए, तब जाके आपका देखिए कंपटीशन एक क्या 10 क्या 1000 कंपटीशन आप जिस एग्जामिनेशन दीजिए उसमें 80-90% आपका निकलेगा। बशर्ते वीडियो को कंप्लीट देखिए और हर रोज देखिए, एक बार नहीं 10 बार देखिए, क्यों नहीं समझेंगे, आखिर क्या बात है, निकालते हैं स्टूडेंट ही निकलता है। अगर आपका जिज्ञासा खत्म हो चुका, आपका इच्छा खत्म हो चुका तो हमारे चैनल पर आइए, आपको मोटिवेशन मिलेगा, साथ साथ पढ़ाई भी मिलेगा, हर चीज़ का सलूशन हम आपको देंगे। लेकिन दोस्तों आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, आपको ऐसे चीज़ सीखने के लिए मिलेगा जो आपको कहीं भी नहीं मिला होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले वो कमाएगा, अगर आप सबसे पहले क्या करिए कमाइए कि सबसे पहले खर्चा कीजिए, नहीं, कोई भी व्यक्ति होता है सबसे पहले वो इनकम करता है तब वो एक्सपेंस करता है। अनुपात को दोस्तों सबसे पहले वो क्या करता है, इनकम करता है। अगर हम ठीक है, अगर हम यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनकम अगर 10,000 रुपया इनकम करते, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हम 10,000 रुपया क्या करते हैं, इनकम करते हैं, कितना, यह मेरा इनकम है, इनकम ठीक। हम कहें कि इसमें से 2,000 रुपया हम खर्चा करते हैं, 2,000 रुपया क्या करते हैं, खर्च करते हैं, यानी कि एक्सपेंस करते हैं। तो हम सेव कितना कर रहे हैं, 8,000 रुपया हम सेव कितना कर रहे हैं, 8,000 रुपया का हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि 10,000 रुपया हमारा इनकम है, ध्यान से देखिएगा, 10,000 रुपया इनकम है जिसमें से हम 5,000 रुपया सेव करते हैं, कितना 5,000 रुपया सेव करते हैं। तो खर्च कितना करते होंगे, 5,000 रुपया खर्च कितना करते हैं, एक्सपेंस कितना करते हैं, 5,000 रुपया ये मेरा क्या है, इनकम है, ये मेरा क्या है दोस्तों, इनकम। यानी कि अगर आपको सेव निकालना रहे तो इनकम चाहिए, अगर आपको एक्सपेंस निकालना रहे तो इनकम चाहिए। यानी हर कंडीशन पर सबसे पहले आपके पास इनकम होना चाहिए, तब आप एक्सपेंस, तब आप सेविंग, दोनों में से कोई भी चीज़ को आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को यह कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर बनाते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से, बहुत मज़ा आने वाला इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर दोस्तों दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर ध्यान से सीखिएगा बी है। पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति आपका क्या है, बी है। पहला ए है, दूसरा बी है। इसमें कहा जा रहा 4:3 का अनुपात है, जो कि एक क्या है, एक इनकम है, ठीक है, ईयरली, याद रखिएगा, ईयरली इनकम है। इन सभी व्यक्तियों का क्या है, इनकम। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस का अनुपात कितना है, 3:2, 3:2 का जो है यह क्या है, एक्सपेंस है, यानी कि खर्च। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, या तो इसको रुपया बना दीजिए या तो इसको रुपया बना दीजिए। अब रुपया कैसे बनाते हैं, रुपया बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वह रुपया में तब्दील हो जाता है, यही आपका ट्रिक है, याद रखिएगा, यही आपका क्या है, सही ट्रिक। अब इसमें से क्या करेंगे, यह चीज़ यहाँ से सीखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, बट्टा में लिखा जा सकता है, इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 4x
बटा थ्री आर, इसको लिख सकते। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज कह दिया था, ध्यान से देखिएगा कि प्रत्येक दिन यदि उसमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 500 रुपया क्या करता है, बचाता है, यानी 500 रुपया क्या करता है, सेव करता है। तो 500 रुपया यह भी सेव करेगा और 500 रुपया यह भी व्यक्ति सेव करेगा। अभी हम आपको बताएं, ठीक है, अगर आपको एक्सपेंस निकालना है तो इनकम चाहिए, अगर आपको सेविंग निकालना तो भी इनकम चाहिए, ये दोनों इनकम है जिसमें से 500 रुपया क्या करता है, एक्सपेंस करता है। तो इसीलिए 500 रुपया इसमें माइनस कर दिए, 500 इसमें माइनस कर दिए, ये आएगा जब भी काटेंगे छाटेंगे तो ये वैल्यू आएगा, तो किसका है, एक्सपेंस का, ए का एक्सपेंस, नीचे काटेंगे छाटेंगे तो वो किसका आएगा, बी का एक्सपेंस। और कहा जा रहा है कि ए का एक्सपेंस और बी का एक्सपेंस जो है खर्च का अनुपात दिया गया 2/3, इसलिए 2:3 को हम लिख सकते हैं 3:2। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को समझ पाए, यह आप एक इक्वेशन में तब्दील हो गया। अब आसानी से इसको हम बनाएंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते, इसको क्रॉस गुना करेंगे यहाँ से इसको और इसको यहाँ से, तो इसको गुना करेंगे तो यह कितना बन जाएगा दोस्तों, 8x, ठीक है, ध्यान से देखिए यह बन जाएगा 8x और माइनस हो जाएगा 5×10 यानी 1000 और बराबर होगा 5 × 3 = कितने हो जाएंगे 9x और माइनस हो जाएंगे 1500, ठीक। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, जिधर चाहिए उसको इधर उधर लेते आइएगा, ठीक है। तो x बराबर 9 में 8x चला जाएगा, तो x बराबर कितना हमारा हो जाएगा, 15 में 1000 चला जाएगा, 1500 में क्या होगा, 1000 हमारा चला जाएगा, तो बचेगा कितना है दोस्तों, 500 रुपया, कितना बचेगा हमारा, 500 बचेगा, यानी x बराबर हमारा 500 निकल चुका। हमसे पूछा क्या था, यह सबसे मायने रखता है, हमसे पूछा गया था a और b की इनकम कितना, ईयरली इनकम, तो ईयरली इनकम का अनुपात कितना है, 4x और 3x था, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों a का इनकम बराबर, ठीक है, a का जो इनकम होगा कितना होगा, 4x, ए का इनकम कितना होगा दोस्तों, 4x होगा, ठीक है, 4x यानी कि कितना होगा, 4×500 बराबर कितना हो जाएगा, 5×20 यानी 2000 रुपये ए कमाता, वहीं पर बी कितना कमाता, बी होगा 3x बराबर कितने होंगे, 3×3 हो जाएंगे 500 बराबर कितने हो जाएंगे, 5×3 = 1500 यानी कि ये ए कमाता है 2000, बी कमाता है 1500। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यही आपका क्या है, रिजल्ट है, यही आपका आंसर हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी कंसेप्ट, आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से आप सभी समझ सके। अगर आपको फिर भी डाउट है नीचे कमेंट लिखिएगा जरूर। अब मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट लिखिएगा। इसी प्रकार से आप मैथ और रीजनिंग में महारती हासिल करना चाहते तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप जुड़ जाइए नौकरी पाने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।